नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब नेशनल बैंक में अगर आपका खाता है और आप अगर वहां पर सिग्नेचर चेंज करवाने जाते हैं तो आपका वो फॉर्म किस तरीके से आपको भरना है। आप सबसे पहले कुछ चीजों का ध्यान रखें, आपके पास अकाउंट नंबर हो, पासबुक हो, एक आधार कार्ड की कॉपी हो और अपना एक फोटो हो, अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो दोनों का फोटो हो। आइए हम लाइव वीडियो देख लेते हैं कि किस तरीके से हमको सिग्नेचर चेंज का फॉर्म भरना है पंजाब नेशनल बैंक में। नमस्कार दोस्तों, ये वाला फॉर्म अगर यदि आप बैंक अकाउंट में सिग्नेचर चेंज कराना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आप जिस ब्रांच में आप करवा रहे हैं उस ब्रांच का नाम लिख दें। यहाँ पर जैसे मैं शिवगंज ब्रांच में करवा रहा हूँ तो मैं शिवगंज ब्रांच लिख सकता हूँ। यहाँ पर मुझे फ़ोटो अटेस्ट करना है, यहाँ पर मैं कस्टमर आईडी लिखूँगा जो कि मेरी पासबुक पर मुझे दिख जाएगा। यहाँ पर मैं अपनी 16 डिजिट का अकाउंट नंबर लिख दूँगा। अब यहाँ पर मुझे स्पेसिफिक सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन, जैसे कि मेरे सिग्नेचर ये होते हैं तो ये मुझे अपडेट कराने हैं, मैं ये यहाँ पर लिख दूँगा। अब तीसरे नंबर पे अकाउंट होल्डर नेम, मैं मेरा नाम है, क्योंकि मेरा सिंगल अकाउंट है इसलिए मैं सिंगल नाम ही लिखूँगा। डबल नाम होता तो मैं यहाँ पर दूसरे अकाउंट होल्डर का नाम और यहाँ पर उसके सिग्नेचर करता। मोड ऑफ ऑपरेशन, मेरा सिंगल अकाउंट है तो मैं सिंगल कर दूँगा। जॉइंट होता, डबल में होता तो जॉइंट, आइदर और सर्वाइवर में कर सकता था। नीचे का जो कुछ है वो ब्रांच के यूज़ के लिए है, लेकिन आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर जो है वो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। आपको पीछे की साइड कुछ नहीं है, आपको ये वाला फॉर्म फिलअप करके ब्रांच में देना है। इसके साथ आपको आधार कार्ड की एक कॉपी लगा देनी है और आपके सिग्नेचर अपडेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।